अथवा अल्पज्ञतावश घर के कोई योग्य व्यक्ति कोई चाचा ताऊ संबंधी किसी को गुरु धारण कर लेते हैं, ये तो बहुत योग्य है, उन्हीं को गुरु बना लेते हैं। जो परंपरा से वृक्ष परंपरा से अनुगत नहीं है और उन्हीं को गुरु धारण कर दिया तो उनके लक्ष्य में महाराज जरूर है। घर ही में गुरु बोली मुख में तुम छाई ना, उदाहरण देंगे। जैसे कोई अनभिज्ञ व्यक्ति और मिठाई बनाने चले और मिठाई बनाने की क्रिया जानते नहीं है और उनसे मिठाई बनवाना चाह रहे हैं। घर में कई बार माता बहनें बड़ी बड़ी मिठाई बनाने लग जाती हैं और उनको जानकारी है नहीं। पुराने समय में आप तो बहुत चतुर हो गई नहीं जानते, तो घर ही में बनाने लग गए तो घर ही में गुरु बोलिए गरीबी में गुरु गुरु को घोल के और कोई मिठाई बनाई जो भी पासंग चढ़े नाट चैंता मान थी खान। इसको समझना कैसे, जैसे कि तराजू में पासंग होता उसमें तराजू में कोई कमी होती है, दर उधर पल्ले में कमी होती है, ऊंचा नीचा होता है, कम बढ़ती तो पासन लिखा के बराबर कर देते, कम बढ़ती बिल्कुल ना होगा पास। और जैसे गुड़ बनाने कोई बिना कारीगर अच्छा कुशल कारीगर नहीं है उससे गुड़ बनवाए जाए, जैसे गोल्ड में रस डाला जाता है वो गन्ने पे ले जाते हैं फिर रस निकलता है फिर कढ़ाई में उठाया जाता है। अगर कुशल कारीगर नहीं है उससे गुड़ बन नहीं पाता है वो। हमने कोल्डों में गुड़ बनते बहुत देखा है, बहुत खाया गर्म गर्म बन तो उनसे बनता नहीं। अगर अनभिज्ञ व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, वो लाट बन के रह जाती है, तो बिल्कुल पतला पतला होता है। जो तमाकू में मिलाई जाती है लाट, जो तमाकू पीने वाले हुक्का पीने वाले वो तमाकू बनता उसमें वो डांट रहा वो ऐसे ही काम आ। वो पासम चढ़े न लाट क्यों, उसको किसी को देना भी हो तो कितनी लाट चाहिए है, हमें एक किलो चाहिए, अरे सब डेढ़ किलो चाहिए, क्योंकि वो सबसे गया हुआ पड़े तो है, लेकिन वो जो है चैंटा माँ की लाइट है उसकी ज्यादा कीमत नहीं है, क्योंकि वो बिना कारीगरी के बिना जो है अपने आप एक जो है वही की वही इस लोग से कोई कारीगर विशेष बुलाया जाएगा उस लोग से और उसको पैसा दिए जाएंगे अपने आप ही बना ले। और ये समझ में गुरुओं का लक्ष्य है, इसमें ये गुरु की बात नहीं है, बात ये गुरुओं की महाराज। तो इस प्रलोभन की वजह से एक विशेष कारीगर के पास न पहुंच के अपने आप ही घर में ही गुड़ बोल लिया, यानी बिना कारीगर से वो गुड़ बनाने चले तो वो गुड़ अच्छा नहीं लाट बन के रह गया। उसमें पासन भी नहीं, वो थोड़ा मांगा उसको ज्यादा दे रहे हैं, उसको निकला कैसे, हाँ ये किसी के काम आ जाए तो और बहुत अच्छा है उस है, उसकी कीमत नहीं। मुख ने तो मिठाई ना है, उसको जो जिनके लिए बनाना था बालक बच्चे परिवार नाते रिश्तेदार उनकी वो तो खाएंगे ही नहीं, वो तो केवल चैंता मां भी के लायक है और बाकी तमाकू के लायक और जन क्या क्या ऐसी क्रियाओं के लायक है। मुख नए को मिटाई ना है पाप में चैंता मां, उसी प्रकार महाराज इस लक्ष्य को कह रहे हैं। तो अगर तुमने किसी प्रलोभन वर्ष घर में ही गुरु बना
तो ये बात बिगड़ जाएगी। गुरु जी पूर्व समय में आपको बता चुके हैं कि तीन गुरु संसार फसाव है और सतगुरु हरिसुम देव मिलाव। जो तीन गुरु होते हैं, माता पिता यानी जन्मदाता और शिक्षा गुरु संसार की शिक्षा और कुल गुरु, ये तीनों ही संसार में फंसाने वाले होते हैं, ये हरि से मिलाने वाले नहीं होते हैं। तो धर्म में अगर गुरु बना लेते हैं वो तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं करते हैं, वो कहीं कहीं ढीला उपदेश करते हैं और ढीली ही उनके अनुगत घरवालों की उनके प्रति श्रद्धा होती है। तो ढीला ही उपदेश ढीली ही श्रद्धा होती है। अगर ऐसा हो जाता है, अरे हमारे चाचा पालू तो नहीं, कड़ा उपदेश वो कर नहीं सकते हैं, वैराग्य का उपदेश दे नहीं सकते हैं, विशेष भक्ति का उपदेश दे नहीं सकते हैं और उनकी विशेष श्रद्धा में हो नहीं सकती है, तो महाराज बोले बात बिगड़ जाएगी। इसलिए जैसा माफी का जिस प्रकार लाट चेंटा माफी के लिए काम आती है, बस उन्हीं का पेट भरता है, ऐसे ही तुम भी उनसे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो। बोलो तो ये समझने की बात, एक एक बात महाराज ने लिखा है हमको जीवन में उतारना। आगे महाराज बोले, सुन ले गुरु के नाम स्वाद भेद पहचान, कार्य करे करुगे नाम। अब प्रश्न करो श्री महाराज, आप जो है गुरुओं की गुरु प्रणाली का गुरुओं के भेद बताओ, कृपा करके कितने प्रकार के गुरु होते हैं। तो महाराज श्री गुरुओं के विषय में बताने कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुण कितने प्रकार का होता है और गुण की किस्म गुण के जो है रूप बता के और गुरुओं को बता रहे हैं। सुन ले गुरु के नाम गुण स्वाद भेद पहचान, खारी कारी किरकिरे कर्रे करुवे नाम, खारे कारे किरकिरे कर्रे करुवे। एक खारा गुरु होता है, एक कारा गुरु होता है, किसी ने काला गुरु होता है, एक किरकिरा उसमें किसी तरीके से मिट्टी मिल जाती है तो किरकिरा होता है, खारे कारे किरकिरे एक बहुत कड़ा होता है उसको किसी से फोड़ा जाए घर भी नहीं भूलता, कर्रे को एक कड़वा होता है उसमें कड़वाट होता है। तो पांच प्रकार के गुण बताए, तो खारे कारे किर करे कर्रे करुए हान, ये पांचों प्रकार के जो गुण हैं ये शरीर को हानि पहुंचाने वाले हैं। गुण की बात उसी प्रकार आप गुरुओं की बात कैसे समझी जाए, हरे जिन्होंने हरि की भक्ति में शुद्ध भक्ति में और कर्मादिकर्म को मिला दिया, कर्म कांड को मिलाया और फिर वो उपदेश करते हैं, कर्म कांड को मिला के जाने भक्ति कर्म में सानी ताके हाथ को पीवे न पानी। जो हरि की शुद्ध भक्ति में कर्मकांड मिला के उपदेशता है अथवा उपदेश करते हैं उनको खारे गुरु के समान मानो।
ये जीवात्मा की अगर उसे शरणागत होता है कोई शिष्य तो जीवात्मा की हानि है, उनको हरि प्राप्ति नहीं होती। कार्य काला गुण होता है तो काला गुण के लिए बताया महाराज ने केवल कर्मों का ही कर्मकांड का ही उपदेश करते हैं, भक्ति का करते ही नहीं। कैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता विप्रों श्रद्धा, विप्रों में श्रद्धा करा देते हैं, देवता में श्रद्धा करा देते हैं और यज्ञों में श्रद्धा, यज्ञ एवं कर्मकांड में। उनको स्वामी जी महाराज ने अपने बचपन से विमुख बताया, वो गुरु भी विमुख हैं और वो शिष्य भी विमुख, ये कड़े वचन हैं आचार्य। तो भारे कार्य तो वो कार्य गुरु के समान हैं, ऐसे ही ऐसे जो गुरु हैं वो स्वयं भी अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं और शिष्यों का भी कल्याण नहीं कर पाते हैं। आप तीसरे गुरु किरकिरो किरकिरा गुण क्या है जिसमें कुछ धूल माटी मिल गई उसको कैसे समझे। जिन्होंने हरि की भक्ति में जातीयता की श्रेयता रखी है, भक्ति में नहीं जनेऊ ज्यों हरे रंग भांग विराजे तुलसी में न समा, बेटा बेटी जाइए भैया कहाँ उधटिए जा, और भेद भक्ति में जो है कहाँ भक्ति भज जा। जहाँ बेटा बेटी का संबंध करना हो वहाँ जाति से काम लीजिए, अगर भक्ति के बीच में जाति को ले लिया, किसी भक्त की जाति का बखान अथवा उसकी जाति की अहिंसा तुम्हारे हृदय में बैठ गई, तुम्हारे हृदय में से भक्ति चली गई। रोज भेद भक्ति में जो करे तहाँ भक्ति भज जा। भी महाराज कह रहे हैं, श्री भगवत ऋषि देव महाराज कह रहे हैं जात जात में जात सब सवई जात कुजात, भगवत रसिक अनंत कहो कौन सी जात, कोई जाति ना है रसिक अनन्नों की भक्तों की। हाँ बेटा बेटी का संबंध करना है वहां जाति से काम ले सकते हैं। हाँ जी कहो कौन सी जात सजाती हो इस ज्ञान, इस भेद को जो शुद्ध सजाती है परमार्थ देश के जो हरि प्रेमी है वो भेद को जानते हैं कि जाति में कुछ नहीं लगता। सजाती हो इस ज्ञान विमुख विजाती देय के जात भगवान, वो विमुख है विजाती है वो जो देह की जो खेर होने वाला है वो राख हो जाता है देह एक दिन, उस शरीर की ही जाति का बखान करते हैं कि जाति का बखान करने से उनको सभी हरि प्राप्ति नहीं होती है। तो आज आज हसम आचार्य उन्होंने बोले तो महाराज बोले खारे कारे के लिए तो जो जाति की श्रेयता अथवा जाति भेद रखते हुए भक्ति का उपदेश करते हैं वो किरकिरे गुण के समान है। उस समय हम बता चुके हैं वचन का सिद्धांत के माध्यम से भी जाति बुद्धि ग्रह को गैरागा, उसने अपने सुना होगा ग्रंथ से भी महाराज के वचन कि हृदय से चार संशय समाप्त होने चाहिए। सबसे पहले जाति का संबंध है, जाति संसार की बुद्धि जाति बुद्धि, अगर मन में जाति बुद्धि रह गई तो हरि प्राप्त नहीं होती किसी जन्म में।
जात बुद्धि ग्रह को बैरागा और ये सब सही नहीं होना चाहिए। मैं तो ग्रस्त में मोहित था को कैसे प्राप्त करूंगी या पड़ी या सूची जाति वाले को नहीं सबको प्राप्त होते हैं। प्रेम चाहिए बिहारी घर के लिए प्रेम चाहिए और ग्रस्त हो चाहे व्रत महाराज बोली चाहे ग्रस्त में रहते हो या व्रत में दोनों को प्राप्त होंगे। तो जात बुद्धि ग्रह को बैरागा तो ग्रह बैराग का संबंध है या फिर बुद्धि का संबंध है जीव कर्म जीव बुद्धि का संबंध है और कर्म बुद्धि का संबंध है। ये चार संशय जब तक ये जीव की समाप्त नहीं होते हैं मिलन श्याम संशय नहीं हुई ये संशय समाप्त होते ही हरि से मिलन हो जाता है। कारे कारे किरकिरे इसलिए भक्ति के बीच में ज्ञाति को मिला के उपदेश करते हैं तो वो किरकिरे गुरु के समान गुरु के समान आगे महाराज बोले तो ऐसे गुरु भी बनाने योग्य नहीं होते हैं। पर एक होता काग इतना भी वो टूटता ही नहीं है अगर दांतों से काटा जाए दांत भी टूट जाएंगे। तो जो शुष्क ब्रह्म ज्ञान के उपदेशता है जो हरि प्रेमी नहीं है हरि का प्रेम भान नहीं करते हैं माधुर्य तो बहुत दूर है महाराज हरि की सामान्य भक्ति का भी भान नहीं करते हैं और यहाँ तक है हरि के धाम का और हरि के स्वरूप का खंडन करते हैं जो ब्रह्म ज्ञान जो शुष्क ब्रह्म ज्ञान है उनको कर्रे गुड़ के समान वो इस जीवात्मा का यथार्थ उत्थान नहीं कर सकते अपना जीवन का उत्थान नहीं होता है वो भ्रमित रहते हैं और जीवात्मा का उत्थान नहीं कर सकते हैं हरि मिलन नहीं करा सकते। जो ब्रह्म ज्ञान है बहुत बहुत बड़े विद्वान है कितना ठिकाना क्या महाराज उनसे 20 घंटे ही बोलवा तो बोलेंगे लेकिन हरि के स्वरूप का भी खंडन करते हैं कभी कभी हैं। तो महाराज बोले वो तो कर दे कर रहे गुरु के समान बहुत कठोर हो ब्रह्म ज्ञान शुष्क ज्ञान बताया है करे करुणे पांचवे कड़वे कड़वे गुरु अथवा कड़वा गुरु भी होता है कड़वाट होता है बनाने की क्रिया सही नहीं होती कड़वाट हो जाए तो कड़वे कैसे जो तामसी देवताओं की उपासना बताते हैं भैया दुर्गा जी की पूजा कर ले भैया भैरव जी की कर ले भैया उनकी कर ले इनकी कर ले नाना प्रकार के तामसी देवताओं की जो उपासना में लगा देते हैं खड़े पुष्टा खड़े रुष्टा पुष्टा रुष्टा खड़े खड़े अभ्यक्त चित्ता प्रसादो अतीत कर जो क्षण में रुष्ट हो जाए क्षण में तुष्ट हो जाए ऐसे देवता जन अगर कोई कृपा भी करे उनकी कृपा भी भयंकर है भैया वो कभी रुष्ट होते ही नहीं है उनकी उपासना कर रही है ना जो कभी रुष्ट होते ही नहीं हमेशा तुष्ट ही तुष्ट प्रसन्न ही रहते हैं इतनी प्रसन्न रहते हैं अनन्य है कि भोरव भजन करे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो भोरव राई के सम भजन प्रियाजु माने मेरु समान ओन करे समुद्र समान जनतन अपने समुद्र के समान तुम कितने अवगुण करने वाले उतने को भी नहीं गिनेंगे तुम्हारा अनन्य भाव यारी व्यारण के शरणों में होता है लेकिन अनन्य भाव का मतलब यह है जो अवगुण करता ही नहीं
सर्वोत्तर अवगुणों से दूर होता चला जाता है। सहज अनन्य भाव में ये कृपा है, जिनका अनन्य भाव हो गया स्वामी बिहार जी के चरणों में, वो दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन प्रेम निष्ठा बढ़ती चली जाएगी, अखंड प्रेम बढ़ता चला जाएगा और अवगुण सब नष्ट होते चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन ये अनुभव की बात कर रही है स्वामी जी। तो अवगुण करें ऐसी दयालु कृपालु जी स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज का देश जितना सर्वोपर जितना ऊंचा है ना, उतनी ऊंची कृपा भी है भैया, उतना ऊंचा देश जो सबके स्वरूपों के लिए जो दुर्लभ है, इस जीव के लिए हासिल कैसे हो जाता। इतने कृपावान भी है स्वामी जी महाराज, इतने कृपालु दयालु है, कृपा के लिए खजाने स्वामी जी लाडली जी, ऐसी लाडली जी ऐसी प्रिया जो उदार है, कोसर करे हमारी राधा, कोसर करे हमारी राधा, यद्यपि नाम महात्म सेवक और हमारी प्रिया जी कितनी कृपालु है दयालु है, कौन उनकी बराबर कर सकता। तो अभी बताया ना राई कृष्ण भजन, थोड़े भजन को भी बहुत मान लेती है, अनन्य भाव तो करो तो सही। स्वामी जब स्वामी जी महाराज का जयकारा बोल देते हैं, उनको अभ्यास पड़ गया है, लोग कहते होंगे महाराज जी जयकारा बहुत बोल देते हैं, पर क्या करें, अपने आप को ऐसी आदत पड़ गई है, जब तक स्वामी जी बिहार जी महाराज का जयकारा नहीं बोलते हैं तो शांति ही नहीं। तो प्रसंग है गुरुओं का, तो खारे कारे सिर सिर करे करु तो ये जो है हार, ये सभी जीवात्मा की हानि करने वाले हैं सबके सब गुरु। अब आगे तीन गुरु और जो एक से एक विशेष समय काफी हो गया, उनकी चर्चा आपको कल सुनाएंगे, आपको एकदम का थोड़ी देर आनंद लेंगे। बोलो स्वामी जी Thank you.
में
के सिंहासन वृंदावन में बाके बाके बिहारी हरिदास दुलारी बाके बिहारी हरिदास दुलारी Oh, my God.
वृंदावन बस गाऊंगे गीत उठ दर्शन पाऊंगे वृंदावन में बांके बिहारी और बांके बिहारी भरे दस दुलारी बांके बिहारी हरी दस दुलारी गुरुओं के अल्लाह की स्वामी जी महाराज की वृंदावन चंद्र जो की समस्त आचार्य रंगन की गुरु और गोविंद।